मैं जिस मुद्दे पे हमारा हिमाचल विधानसभा का जो चुनाव था वो संपन्न हुआ 12 तारीख को, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि सबके सहयोग से एक शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से पीसफुल इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में हुआ, ये अपने आप में पूरे देश के लिए एक मिसाल है। और जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग रहा 75% से ऊपर पोलिंग, ये अपने आप में पूरे देश के अंदर हिमाचल प्रदेश हमेशा एक इतिहास बनाता है और अपने रिकॉर्ड को हमने इस बार तोड़ा है। ये सारी बातें जो है लोकतंत्र को मजबूत करने वाली है और लोकतंत्र की एक सुंदरता है। और मैं सभी उन साथियों का जो कांग्रेस जन के हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे समर्थक थे या प्रदेशवासी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, मैं सबका कांग्रेस पार्टी की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि आप लोगों ने इस पूरे चुनाव के दौरान पूरी मेहनत और हर क्षेत्र में जो हमारा कार्यकर्ता था हर व्यक्ति के पास गया, हर बूथ पे काम किया और उसका नतीजा ये होने वाला है कि आने वाला जब परिणाम 8 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश के चुनाव का दिन होगा, मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी की जो कांग्रेस जन हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, उनका जो है इस जो मेहनत की उसका रंग लाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार 8 तारीख को 2/3 बहुमत के साथ बनने वाली है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने चुनाव के दौरान भी कई बार ये जिक्र हुआ कि प्रदेश के अंदर जो भाजपा की सरकार रही 5 साल, उनका जो कार्यकाल था और लोगों का जो रुझान हर वर्ग का प्रदेश की सरकार के खिलाफ था और मूड साफ दिख रहा था लोगों का, परिवर्तन की एक लहर हिमाचल प्रदेश में चल रही थी और उसका सीधे तौर पर वोटिंग परसेंटेज से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। तो ये एक ऐसा समय है कि जब हम एक नई सरकार के साथ, कांग्रेस पार्टी की जैसी मेरी उम्मीद है कि हम आगे बढ़ेंगे और प्रदेश का जो विकास 5 सालों में रुका था उस विकास को मिलजुल के सभी लोग, अब जो विपक्ष में भी रह जाएंगे, हम ये सोच के साथ उनको भी साथ लेके चलेंगे, प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी चुने हुए लोग होंगे, पार्टी हाईकमान तय करेगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। उस उम्मीद का कारण क्या है कि जो फीडबैक आया है, अब जो फीडबैक हमारे सभी जगह से पूरे हिमाचल प्रदेश से हमारे पास जो पहुंच रहा है, हमारे लिए वो काफ़ी उत्साहित करने वाला है कांग्रेस पार्टी को। उसके जो हमने चुनाव के प्रचार के दौरान हमारे नेताओं ने और हम सभी ने जो बात कही थी, मुझे लगता है वो सच होने वाली है कि लोग काफ़ी परेशान थे। सरकारी कर्मचारियों की बहुत बड़ी समस्याएँ थी, OPS को लेके थी, बागवानों और किसानों की बहुत समस्याएँ थी, दूसरे वर्ग जो बेरोजगार युवा था उनकी बड़ी समस्या थी, महंगाई को लेके लोगों की और महिलाओं की बहुत बड़ा रोष इस सरकार के खिलाफ था। उसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो और ख़ास तौर पे जो 10 गारंटियां हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने रखी थी, उसका बहुत बड़ा असर मुझे लगता है प्रदेश की जनता के ऊपर हुआ। लोगों ने उसको विश्वास किया। गारंटी के तौर पर जब कांग्रेस पार्टी ने अपने चीज़ें हर वर्ग के लिए रखी तो उसको लोगों ने अच्छे से लिया, उसको समझा और लोगों को मौका मिला और उस बात पे लोगों ने, प्रदेश की जनता ने विश्वास किया और उस विश्वास के आधार पे मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को लोगों का बहुत बड़ा समर्थन जो है उन गारंटियों के तौर पे भी मिला।